हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग क्लास 11 का कॉमर्स स्ट्रीम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट वन का, जो कि आप लोग का चैप्टर नंबर थर्ड में चालू कर चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मैं लेक्चर नंबर 3 लेके आ गया। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के 1 के क्वेश्चन नंबर 2 से 4 से शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 से हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। मैंने आपको कल के दिन लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर करा के दिया, और क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2, 3 ये 3 सब क्वेश्चन करा के दिए थे, और बोला था कि जो जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में टॉप कवर करेंगे। ओके फ्रेंड, तो आज हम लोग का वो लेक्चर आ गया है। अगर आप ये तीनों की वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर देख लेना। आइए बिना किसी देरी से हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है देखते हैं। 3 + 2i / 2 - i + 3 - 2i / 2 + 5i, मतलब ये इसमें भाई कुछ मामला उल्टा दे दिया है। तो बोलोगे मतलब भाई देखो ना, इधर का नंबर उधर दे दिया माइनस में, जो इधर माइनस में उधर प्लस में दे दिया। बोलोगे बहुत लोग बोलेगा अरे बाबा कैसे करेगा रे दादा, बहुत इजी है, टेंशन नहीं ले लेने का, इतना इजी इजी एग्जांपल है ना, आप मुश्किल से 5 मिनट में सम कर डालोगे। बहुत अच्छे से यार एकदम हंसते खेलते करोगे, कैसे करोगे तो तुम बोलेगा ज़्यादा साल पत्नी दिखाता है। अगर इतना इजी करके दिखाना दिखाता है ना रे बाबा, देखो 3 + 2i / 3 - 2i / 2 - 5 + 2 + 5i, देखो आपको यहाँ पे नोटबुक तो मेरी नज़र आ रही होगी। थर्ड क्वेश्चन में उससे क्या बोला है, 3 + 2i / 2 - 5i + 3 - 2i / 2 + 5i, इसे अपने को सॉल्व करना है। मैं डायरेक्ट का सलूशन बता रहा हूँ, आप अपना अपना बुक में क्वेश्चन क्वेश्चन लिख के आप जिस फॉर्मेट से आप पसंद करते होंगे वैसे आप अपना कैरी डाउन कर लेना। ओके फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इसमें एक काम करेंगे क्या, अभी तुम बोलोगे तू तो यार हरदम काम के ही पीछे पड़ा रहता है, एक काम करते हैं हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मतलब ये बोलोगे समझ में नहीं 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 आ रहा, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और फिर नीचे में इसका इसका मल्टीप्लाई करते हैं। बोलोगे ओ माय गॉड, मतलब आप देखो आप एक पिक्चर देखे होंगे एरा फेरी, इसकी टोपी उसके सर, उसमें एक डायलॉग बोलता है ना इसकी टोपी उसके सर, तो हम लोग वही कर रहे हैं, इसी इसकी टोपी इसके सर और उसकी टोपी इसके सर, कुछ नहीं करने का। ओके बात समझ में आ गई होगी, इसकी टोपी उसके सर कर रहा है हम लोग को। देखो 3 + 2i का मल्टीप्लाई करेंगे इसके इसके साथ 2 + 5i, फिर प्लस होगा अभी इस अभी इसका टोपी इसके सर हुआ, अभी उसकी टोपी इसके सर होगी। ओके तो करने के लिए आप रेडी हो, आ जाओ तो मैं भी रेडी हूँ। 2 - 5i यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 - 2i, इस तरीके से ये ना ऐसा एक लंबा लाइन मारने का रे बाबा, कई को इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी तो करेगा ना, कई खाना जो करना पड़ता है भाई। 2 - 5i मल्टीप्लीकेशन करने का 2 + 5i के साथ, बहुत सिंपल है मैथ, अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे मज़ा आ जाएगा। कैसे करेगा बोलोगे, अब तो तूने इतना तो अपन को समझ में आया, अब आगे क्या करेगा, आगे कुछ नहीं करेगा। मतलब 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, 3 × 2 = 6, यही मिला ना रे बाबा। 3 × 5 = 15 है यहाँ पे, देखो फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखो, 2 × 2 = 4i, क्यों यहाँ पे हमारा आई था तो हमने यहाँ पे भी क्या लिया आई लिया, प्लस 2 × 5 = 10i, 10i² क्योंकि आई आई मल्टीप्लाई हुआ है, फिर प्लस करो ये देखो 2 × 3 = 6, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ क्या रहे दादा माइनस, लेकिन 2 × 3 = 6, जब भी हमने उसको प्लस में देंगे 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 - 4i, क्यों इधर माइनस है इधर माइनस है रे दादा, और इधर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 4 - 4i, फिर देखो 5 × 3 = 15 - 15i - है ना 3 × 2 = 6, अभी देखो सॉरी 5 × 2 = 10, माइनस माइनस प्लस हो गया 10i² रहेगा, 10 क्या रहेगा हमारा i² इतना समझ में आया, आएगा ना रे बाबा। हमारे साथ मैथ पढ़ोगे फिर भी नहीं आवा तो बेकार हो। देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, 2 × 2 = 4, देखो मैं वैसे ही बोला यार बेकार हो, कोई भी बेकार नहीं होता, तो बस ध्यान से कंसेप्ट सीखो आपको आपको भी समझ में आएगा। 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, तो -10i, 5 × 2 = 10, अब यहाँ माइनस कैसे आ रहे बाबा, यहाँ प्लस आएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस होता है, माइनस प्लस -10i, 5 × 5 = 25i² सॉल्व करो,
देखो ये प्लस में ये माइनस में, तुम्हारा क्या होगा, ये हमारा कैंसिल ले ले समझ जाएगा। और कुछ काट सकते हैं क्या, देखो ये फोर प्लस में इधर फोर माइनस में, तो कट 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 कट, अब जो बचा उसको उसको चुपचाप यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। सिक्स लिखे अब प्लस करो टेन आई स्क्वायर के, आपको आई स्क्वायर आपको मालूम नहीं क्या होता है, माइनस वन में आप लोग को ऐसे बताया था कल के दिन और परसों के दिन भी। माइनस वन इस तरीके से ही होगा ना रे बाबा, ऐसे ऐसे होगा कि कुछ और होगा। एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं ना, बोलेगा कौन सा काम करने का रे। देखो हमें सिक्स सिक्स दो नंबर दिया है, हम लोग पहले नंबर को प्लस कर लेते हैं इसको, आप छोड़ो ये आपका क्या हो गया बाई मिस्टेक। सिक्स प्लस सिक्स करो प्लस टेन आई प्लस टेन आई करो, टेन आई दोनों का स्क्वायर ना, दोनों का स्क्वायर करने का। ओके समझ में आ रहा है ना, अगर डाउट होगा मेरे पास पूछना। देखो टेन माइनस प्लस से हमारा क्या हो गया कैंसल, फोर प्लस टू ट्वेंटी फाइव, आई स्क्वायर क्या हो गया माइनस वन, सॉल्व करो। सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व प्लस, देखो टेन प्लस टेन ट्वेंटी, आई स्क्वायर हमारा क्या होता है माइनस वन होता है ना रे बाबा। फोर लिखा फोर माइनस प्लस माइनस हुआ, माइनस प्लस कितना हुआ माइनस ना, सॉरी इधर माइनस नहीं होगा रे दादा, इधर इधर अपना माइनस होगा। देखो माइनस माइनस प्लस हुआ, अभी ये बोलोगे जब तुमने माइनस माइनस को लिखा क्योंकि आप लोग यहाँ पे सेंटर में माइनस दिया है इसलिए लिखा रे बाबा, मैंने माइनस पच्चीस हमारा हो गया पच्चीस। तो सॉल्व करो ट्वेल्व माइनस प्लस माइनस होगा या नहीं, देखो माइनस प्लस माइनस ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी नाइन, फोर प्लस ट्वेंटी फाइव, सॉल्व करो सॉल्व करो। कैसे करोगे इस देखो ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी, अभी आप बीस में से बारह को घटाओ तो क्या होता है एट अपॉन ट्वेंटी नाइन, इधर माइनस तो इधर भी हमारा क्या हो गया माइनस, तो हमें ये मिला। लेकिन हम लोग को क्या हमारा फाइनल आंसर है, नहीं हम लोग इस तरीके से इसका लिखेंगे आंसर ए प्लस बी आई के फॉर्म में, क्यों हमें यही तो क्वेश्चन में निकालना था ए प्लस बी आई। ए हमारे पास कितना है माइनस एट अपॉन टू ट्वेंटी नाइन प्लस जीरो, बी आई हमारे पास है ही नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा ना ए प्लस आई बी, तो आई बी बोलो चाहे बी आई बोलो बात एक ही है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर थ्री होता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री नहीं है रे बाबा फोर है, मैं कब से थ्री बन के सॉल्व कर रहा था, मेरे ऐसा ईड़ा कौन होगा। ओके स्क्रीन शॉट चाहिए तो ले लो, फिर मैं आगे की तरफ मूव आउट करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ मूव करते हैं, बहुत ईजी है, इससे भी छोटे सब में ही आपका क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स दोनों हो जाएगा। बोलोगे क्या बात कर रहे हैं पटेली गिरी तो नहीं, नहीं है नहीं रे बाबा पटेली गिरी नहीं हो तो एकदम रियल बात है। कैमरा ब्लर हो रहा है वन सेकंड रुको तो आप देखने का, आप कैमरा ठीक है ना, आप सब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा क्या क्या कहता है, टू प्लस रूट माइनस थ्री, टू प्लस रूट माइनस थ्री, मैं डायरेक्ट का सोल्यूशन आपको हर बार आपको भी डायरेक्ट सॉल्व करने की ज़रूरत होगी। कैसे करोगे ये तो अपने को टू टू दे दिया ना, कुछ नहीं करने का, टू नहीं दिया रे बाबा क्या बात कर रहे हैं मैं, हाँ यहाँ पे अपने को फोर दिया है वही वाला है टू, अपने को टेक्स्ट बुक में तो फोर दिख रहा है, यहाँ पर टू कैसे फोर प्लस, देखो टू प्लस रूट थ्री, फोर प्लस रूट थ्री, अभी आप बोलेगा तू पगला गया है कन्फर्म बोलोगे, क्यों यहाँ तो माइनस था तो भाई देखना है दादा माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, अगर माइनस को अगर आप माइनस से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा अंडा बचेगा ना, तब टू प्लस रूट थ्री को आप वैसे ही रखो, फोर प्लस रूट थ्री को भी वैसे ही रखो, अब मल्टीप्लीकेशन करो किससे भैया, फोर प्लस रूट थ्री का निकाल लो कॉन्जुगेट निकालो, तो इसका क्या हमारा कॉन्जुगेट क्या होता है फोर माइनस रूट थ्री, इधर फोर माइनस रूट थ्री। ओके अब सॉल्व करने का आई भी लगाएं क्या, चलो आई भी हम लोग लगा लेते हैं, आई भाई लगाना पड़ेगा, क्यों बोलोगे क्यों, हम लोग ने इस माइनस को आई से हटा दिया क्योंकि एक हमारी एक आई की वैल्यू जो होती है माइनस रूट वन होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आई को डिनोट किया है। देखो टू फोर जा एट प्लस माइनस माइनस टू मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री आई होगा, तो इस तरीके से टू रूट थ्री आई, समझ में आया। देखो फिर हम लोग क्या करेगा रे बाबा, फिर प्लस करेगा ना प्लस, हाँ फोर रूट थ्री आई, फिर माइनस रूट, देखो
रूट थ्री आई मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री आई, तो रूट रूट कैंसल, थ्री और आई का हमारा क्या हो गया स्क्वायर हो गया। आप इस तरीके से आप अकाउंट मार लो, फोर का मल्टीप्लाई फोर के साथ तो 16 प्लस माइनस माइनस, अभी फोर का रूट थ्री आई के साथ करेगा ना यहाँ पे मिल जाएगा फोर रूट थ्री आई प्लस फोर रूट थ्री आई क्यूब, इसका भी तो इसके साथ होगा, अभी इसका इसके साथ हो। तो इधर आ गया माइनस रूट रूट क्या हो गया कैंसिल, थ्री आई स्क्वायर हमें मिला। अब ये हमारा सेम सेम था तो हमने उसको काट के एलिमिनेट कर दिया। अब नीचे के स्टेप सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ना बोलेगा, अच्छे कैसे करेंगे करेंगे ना, तो टेंशन वही तुम्हें भी बोल रहा हूँ, वर्ड का टेंशन ले लेते हो। एट ऐसे रखो, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन फोर में से टू गया तो कितना बचा, टू रूट थ्री आई, हमारा बड़ा साइन क्या है प्लस है तो हमने यहाँ पे लिखा प्लस लिखा, माइनस थ्री हमने आई स्क्वायर क्या था माना, माइनस वन है, माना नहीं है भाई, आई की स्क्वायर की वैल्यू ही माइनस वन होती है, मैं आपको लेक्चर में फर्स्ट में बताया हूँ। ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे ऐसा उल्टा सीन्स करके हम आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन लिख देना, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। सॉल्व करो, देखो 16 माइनस थ्री आई का स्क्वायर हमारा होता है माइनस वन, अब सॉल्व करो, एट हमारा प्लस हो गया टू रूट थ्री आई, माइनस माइनस प्लस थ्री, सॉल्व करो 16 माइनस माइनस प्लस थ्री, नीचे सॉल्व करने का, देखो 16 प्लस थ्री 19 अपने को यहाँ पे मिल गया, दिखी तुम्हें दिखता ही नहीं, तुम्हें सॉरी दिख ही नहीं रहा था, मैं सिर्फ सॉल्व करता रहा, हमें यहाँ पे कितना मिला 19, 8 प्लस थ्री 11 प्लस टू रूट थ्री आई, हमारा ये इसका फाइनल आंसर है, हमारा यही फाइनल आंसर है नहीं रहे बाबा, अभी हम उसको एक्सप्रेस करेंगे किसके फॉर्म में, ए प्लस बी आई के, ए हमारे पास क्या होगा 11 अपॉन 19 प्लस बी आई हमारे पास क्या होगा टू रूट थ्री आई अपॉन 19, यहाँ पे 9 लिखा हूँ मैं भी कितना बड़ा है इड़ा हूँ। स्क्रीन शॉट चाहिए क्वेश्चन में 5 यहाँ सॉल्व किया हूँ, स्क्रीन शॉट चाहिए तो ले लो, फिर आगे की तरफ मूव आउट करते हैं, जी उम्मीद है कि आप स्क्रीन शॉट क्वेश्चन में 5 का ले लिए होंगे। अब 6 की तरफ हम लोग मूव आउट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा था, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में हम लोग एक नज़र डाल लें तो क्या पूछा हम लोग को, 2+6 वाला एकदम एक चिंदी क्वेश्चन है यार, एकदम ये क्वेश्चन बहुत चिंदी है, क्या दिया है 2+3i 2-3i, इसको हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ बात खत्म, बोलो अभी तुम बोलोगे पहले कर तो रे तो पता चलेगा, हम लोग कर रहे थे मुझे नहीं आया तो भाई मैं बता रहा हूँ, देखो 2+3i 2-3i इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं, सॉल्व कैसे करोगे, 2 2 जा देखो 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6i प्लस 2 3 जा 6i प्लस माइनस माइनस, ओके 3 3 जा 9 और i का स्क्वायर सॉल्व करो, ए प्लस माइनस कट गया ओके 4 माइनस 9 आई स्क्वायर हमारा क्या होता है माइनस वन, अब सॉल्व करो 4 माइनस माइनस प्लस 9 9 प्लस 4 13 हमें कितना मिल गया 13, क्या हमारा फाइनल आंसर है, नहीं है, अभी हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, हमारा यहाँ पे इसका होगा आंसर होगा ए प्लस बी आई के फॉर्म में, तो ए हमारे पास कितना है 13 और बी आई हमारे पास 0 है, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है सॉल्व, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। आप बोलोगे इतना इजी था, इतना इजी था, अरे हाँ अरे बाबा सही में इजी था, बहुत हार्ड नहीं होता क्वेश्चन, लेकिन डर जाते हो आप लोग, समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव आउट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या पूछा है, बहुत लोग मुझसे मुझे बोल रहे थे अरे बाबा क्वेश्चन नंबर 7 बहुत हार्ड है, थोड़ा भाई देख लिया जाए सही में हार्ड है कि सब सिर्फ फोर्ट का बोल बच्चन अमिताभ बच्चन जी सबकी देख लेते हैं, अरे बाबा 4i 8 अब माइनस 3i 9+3 ये बाबा सही में हार्ड हार्ड गया, नहीं रे बाबा हार्ड नहीं है, एक पेज का अपना इसका सोल्यूशन है, एक पेज में हो जाएगा। अब तू बोलेगा एक पेज का सोल्यूशन है, बोलता हार्ड नहीं है रे, तू कैसा माइला है, बहुत ईजी है, देखो 8th 7th है ना, अभी करेंगे अब करते हैं, चलो शुरू हो जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 7 4i 8 दिया है माइनस 3i 9 दिया है प्लस 3 अपॉन में कर दो 3i 11 दिया है माइनस 4i 10 दिया है
माइनस टू सॉल्व कर देना है अपने को। क्या कर देना है रे बाबा? सॉल्व। देखो अपने को इसमें जगह बहुत लगेगा, इसके लिए आपको दो पेज खर्चा नहीं करेगा। अपन इधर ही से एक बाउंड्री लाइन मार देगा, आधा इधर स्पेस करेगा आधा स्पेस, क्योंकि अपन बहुत बड़ा कंजूस आदमी। समझ में आया? आओ शुरू करते हैं। आई आई पता है ना आई क्या होता है? आपको देखो आई आई इज गोल टू माइनस रूट रूट माइनस वन, आई स्क्वायर इज गोल टू माइनस वन, आई क्यूब इज गोल टू माइनस आई, आई आई पावर फोर इज गोल टू वन, ये सब आपको पता होगा अगर आप मेरे बेसिक लेक्चर देखे होंगे तो, वरना नहीं पता होगा। कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, बहुत जगह का सवाल है तो भाई जवाब मैं ही दूंगा ना। आओ देखते हैं इसका जवाब भी। इसको आप लोग सॉल्व करो, कैसे करोगे? इस आई का वैल्यू निकालो। देखो अभी आप बोलोगे इतना दाल चावल नहीं रहे, फोर लिखें। अब भाई बहुत टाइम पास हुआ, आप सीरियसली सम सॉल्व करेंगे और दो मिनट में सॉल्व करके हटा देंगे उधर। आई को सॉल्व करो, आई फोर हो। देखो फोर टू ज़ा एट हुआ ना, माइनस थ्री आई ले ले आई आई लो आई फोर। देखो फोर टू ज़ा एट हमें लेकिन चाहिए नाइन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई एक और आई कर दो प्लस थ्री। क्लियर दिख रहा है ना रे पापा? हाँ दिख रहा है। थ्री आई इसको हम लोग करते फोर फोर टू ज़ा एट मल्टीप्लाई बाय आई क्यू माइनस फोर आई फोर फोर टू ज़ा एट मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर माइनस टू। इधर दोस्तों माइनस टू है, इसको भी कैरी करना, आपको दिख नहीं रहा होगा। सॉल्व करते फोर, हमारा आई आई फोर का वैल्यू है वन, वन अपॉन टू माइनस थ्री, आई फोर हमारा वन है, वन अपॉन टू प्लस प्लस नहीं प्लस नहीं प्लस नहीं करने का रे बाबा, प्लस करेगा बहुत मार खाएगा, प्लस नहीं करने का, प्लस बोले तो नहीं करने, क्यों? हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय आई भी है, माइनस आई प्लस थ्री, इस तरीके से करने का सॉल्व करने का। थ्री वन अपॉन टू, थ्री कहाँ पे लेके जाऊँ रे, आई क्यूब कहाँ पे ले जाऊँ, तो माइनस आई दे देते ना इसको, फिर माइनस फोर वन अपॉन टू, आई फोर की बोले हमारी वन है, फिर हमारा यहाँ पे देखा माइनस वन माइनस टू। सॉल्व करो, आ देखो फोर वन जा फोर 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 वन जा रे, फोर होता है ना सॉल्व करने का, थ्री वन जा थ्री, लेकिन इधर क्या माइनस आई, तो हम लोग यहाँ पे थ्री आई लिखेंगे प्लस थ्री, थ्री वन जा थ्री, लेकिन आई भी साथ में, आई को यहाँ पे लिखेंगे क्या, एकदम लिखेंगे ना बाबा, थ्री आई थ्री है, यहाँ देखो फोर फोर वन जा फोर, तो माइनस फोर हुआ, माइनस नहीं हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस फोर हुआ। अब आगेगा माइनस टू, हमें यहाँ पे दिया टू। सॉल्व करो, कैसे करोगे? फोर माइनस टू टू माइनस थ्री आई हुआ, चार में से दो गया तो दो बचा और माइनस थ्री आई। अब फोर प्लस थ्री ऊपर हो गया सेवन माइनस थ्री आई, हमें ये दो टर्म मिला। अभी हम लोग इसके कॉन्जुगेट से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बोलोगे कैसे? देखो सेवन माइनस थ्री आई अपॉन टू माइनस थ्री आई, इसका इसका हम लोग क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो टू प्लस थ्री आई हुआ, अपॉन भी हमारा होगा टू प्लस थ्री आई। अब सॉल्व करो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, देखो सेवन टू जा फोर्टीन, देखो माइनस प्लस, लेकिन प्लस ही होगा क्योंकि इधर इसके आगे का हमें जोड़ेंगे ना, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन आई, माइनस थ्री टू जा सिक्स आई, माइनस प्लस माइनस माइनस थ्री थ्री जा नाइन आई स्क्वायर, इस तरीके से कुछ आपका सम्स होंगे। अपॉन में टू टू जा फोर प्लस टू थ्री जा सिक्स आई माइनस सिक्स आई माइनस नाइन आई स्क्वायर। सॉल्व करो, सिक्स आई कैंसिल क्योंकि ये दोनों सेम सेम थे और प्लस प्लस माइनस में थे, फोर्टीन प्लस माइनस माइनस, तो हमारा रहा अगर आप ट्वेंटी वन माइनस सिक्स करोगे के बाद बचेगा फिफ्टीन आई माइनस नाइन, हमारा आई स्क्वायर क्या होता है तो माइनस वन होता है। ए दादा गलती से पेन चल गया, इसको आप लोग इधर ही समझो, हमारी वैल्यू है ओके। देखो फोर माइनस नाइन आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होती है, माइनस वन होता है। सॉल्व करो, देखो फोर्टीन प्लस फिफ्टीन आई माइनस माइनस प्लस नाइन, सो देखो फोर माइनस प्लस माइनस नाइन, नाइन प्लस फोर थर्टीन, इधर सॉल्व करो फोर्टीन प्लस नाइन, फोर्टीन प्लस नाइन ट्वेंटी थ्री अपॉन फिफ्टी, ये लो आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। अरे माइला मैं तो जब फोकट इसको इसको यहाँ पे बनाया तो इतने में सॉल्व हो गया। कैसे करने का, यहाँ पे आंसर लिखो, ए प्लस बी आई का हम लोग देंगे, ए हमारा जाएगा ट्वेंटी थ्री अपॉन थर्टी
और हमारा बी प्लस में तो 15/13 छोटा सा आई को भी देने का, क्यों? आई हमारा इमेजनरी नंबर है, इसलिए हमें आई को भी खुश करके चलना पड़ेगा। अगर अगर कुछ हमें 8 का स्क्रीन शॉट चाहिए तो लो फिर आगे बढ़ते हैं। इतना आपको साफ दिख रहा होगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन 8 लो, मुझे उम्मीद है कि आप इतना ले लें होंगे। अभी इसके बचे हुए जो स्टेप्स थे नीचे सॉल्व किया वे भी आप ले लीजिए। स्क्रीन शॉट अगर ले लिए हो तो अच्छी बात, नहीं लिए तो ले लो। इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 था, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरीके से होता है सॉल्व। इसके बाद आपके जो टेक्स्ट बुक आपका थोड़ा आप भी देखिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड, आने वाले 2 लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 को पूरी तरीके से वाइंडिंग अप कर देंगे। अगर आज के लेक्चर में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।